फ्रेंड किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आपने कढ़ी तो बहुत बार खाई होगी। आज मैं आपको ताजी मेथी की ऐसी कढ़ी बताऊंगी जो कि खाने में इतनी टेस्टी है और बनाने में तो बहुत आसान है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैंने ये 1 कप फ्रेश दही लिया है। अगर आपके पास खट्टा दही हो तो आप खट्टा दही भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और सभी मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैंने 1/2 कप ये बेसन डाल दिया है। आपके पास मोटा या पतला जो भी बेसन हो आप उस बेसन का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया है और सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्प ना रहे। और ये देखिए, मैंने अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें एक भी लम्प नहीं है। अब मैंने इधर कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम होने रख दिया था। इस ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों में से आप जो भी चीज़ स्किप करना चाहते हैं या आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दी है। हींग डाइजेशन के लिए तो अच्छी होती है, साथ ही साथ कढ़ी का टेस्ट भी दुगना कर देती है। और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑयल में भून लेंगे। अब मैंने इधर 7 से 8 लहसुन की बड्स ली थी जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। इन्हें इसमें डाल देंगे और अच्छे से लहसुन को भून लेंगे। फ्रेंड्स, मेथी के साथ लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 प्याज लिया है मैंने जिसे बिल्कुल महीन चॉप कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लाल कर हमें भूनना है। अब इसमें मैंने ये 7 से 8 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च ली हैं, ये इसमें डाल देंगे और इन्हें भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं जिसे बिल्कुल महीन काट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच चॉप्ड की हुई अदरक ली है, ये इसमें डाल देंगे और इसे भी प्याज और लहसुन के साथ अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब मैंने 1 कटोरी ये फ्रेश मेथी ली है जिसे मैंने धोकर बिल्कुल महीन चॉप्ड कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और मेथी को भी सभी चीज़ों के साथ बिल्कुल अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसमें से कड़वापन बिल्कुल निकल जाए। फ्रेंड्स, मेथी को भूनना बहुत ज़रूरी है वरना फिर हमारी कढ़ी भी थोड़ी हल्का कड़वी हो जाएगी, इसलिए इसे पहले ही थोड़ा सा भून कर रख लीजिए। देखिए, कुछ ही देर में मेथी का मॉइस्चर अच्छे से ख़त्म होने लगा है। अब इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रख देंगे और जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर बना के रखा था उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स हो वो ऊपर ही रह जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से स्ट्रेन करके इसमें डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा मिक्सचर बहुत गाढ़ा है, इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और अब हमें इसे अच्छे से खौलाना है ताकि बेसन की कचायन निकल जाए।
धीरे धीरे देखिए हमारी कढ़ी अच्छे से खौलने लगेगी। आप चाहें तो इसके साथ कोई और भी किचन का काम कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते ज़रूर रहिएगा। और थोड़ी देर में देखिए कढ़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है। फ्रेंड्स ये कढ़ी खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है। एक तो इसमें हरी सब्जियां पड़ी हैं, साथ ही साथ बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। ये देखिए कढ़ी अच्छे से खौलने लगी है। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। फ्रेंड्स आप चाहें तो कढ़ी में पकौड़ी भी डाल सकते हैं, जैसे कढ़ी पकौड़ी बनाते हैं। मैंने आज पकौड़ी की जगह इसमें बूंदी का यूज़ किया है। और 10 से 15 मिनट बाद देखिए कढ़ी अच्छे से पकने लगी है और इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। कि पकने के बाद हमारी कढ़ी का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये एक कटोरी मैंने बूंदी ली है, ये इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पकौड़ी बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस कढ़ी में बूंदी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसे बूंदी से ही बनाया। साथ ही साथ ये जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। मात्र 15 मिनट में आपकी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और बूंदी डालने के बाद हमें मात्र इसे 5 मिनट ही खौलाना है और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए बूंदी भी अच्छे से खौलने लगी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इधर मैंने गैस पर एक पैन लिया है, उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और एक अच्छा सा तड़का बनाएंगे। तो ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे। अब इसमें मैंने 3-4 लहसुन की कलियों को और बिल्कुल महीन महीन काट लिया था, वो इसमें डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप थोड़ी सी हींग का यूज़ कर सकते हैं। और लहसुन और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और छौंकन को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और सबसे बाद में मैंने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, इससे कढ़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। ये इसमें डाल देंगे और जैसे ही ये डालेंगे इसको हम अपनी कढ़ी में डाल देंगे। फ्रेंड्स जब भी आप किसी को सर्व करने जा रहे हो तो ये छौंकन ऊपर से डाल दीजिए, कढ़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। और ये लीजिए हमारी मेथी कढ़ी बनकर तैयार है। एक बार इस तरीके से कढ़ी बनाकर देखिए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।